हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कनाडा के जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। कनाडा का जॉर्ज ब्राउन कॉलेज इज नोन फॉर अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज का मेन कैंपस कहाँ पे है। इस कॉलेज के टोटल 3 कैंपस है और जो सबसे मेन कैंपस है वो कनाडा की ओंटारियो प्रोविंस की टोरंटो सिटी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या यह कॉलेज एक पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट। तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है और DLI अप्रूव्ड है। इस कॉलेज का जो DLI नंबर है 01928385062। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो यह कॉलेज 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सितंबर तीनों ही इनटेक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, साइंस और बिजनेस से रिलेटेड सभी तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की। तो जब भी आप जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो जब भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें मिनिमम 60% स्कोर होने जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं IELTS रिक्वायरमेंट की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ओवरऑल 6 स्कोर, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने जरूरी हैं और ईच मॉड्यूल में 6 स्कोर होने जरूरी हैं। और अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर हैं तो आप इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PT रिक्वायरमेंट की। अगर आपने PT का टेस्ट दिया हो और आप किसी डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 54 स्कोर होने जरूरी हैं और ईच मॉड्यूल में 50 स्कोर होने जरूरी हैं। और इसके साथ ही अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 60 स्कोर होने जरूरी है और ईच मॉड्यूल में 55 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TOEFL रिक्वायरमेंट की। अगर आपने TOEFL करा हुआ और आपने इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दिया और आप किसी डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 80 स्कोर होने चाहिए और ईच मॉड्यूल में 20 स्कोर होने चाहिए। और अगर किसी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 84 स्कोर होने चाहिए, ईच मॉड्यूल में 21 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूलिंगो के बारे में। अगर आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्यूलिंगो में आपके 105 स्कोर होने जरूरी है और अगर किसी PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो 115 स्कोर होने जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप कितने टाइम का एक्सेप्टेबल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 का गैप एक्सेप्टेबल है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 का गैप एक्सेप्टेबल है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। यानी कि आपने उस गैप के ड्यूरिंग क्या एक्टिविटी करी है, आपको उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज की जो एप्लीकेशन फीस है वो 95 कैनेडियन डॉलर है जो कि नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको ऑफर लेटर कितने टाइम में मिल जाता है। तो इस कॉलेज से आपको अप्रोक्सीमेट जो ऑफर लेटर मिलने का टाइम है वो है 1 मंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो इस कॉलेज की जो अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस है वो है 16,000 कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में वीकली क्लासेस कितने दिनों की अवेलेबल होती हैं। तो इस कॉलेज में जो वीकली क्लासेस है वो 3-4 डेज की अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यस, अगर आप इस कॉलेज से आपकी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल होते हैं क्योंकि यह एक DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। DLI और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में अकोमोडेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यस, इस कॉलेज में अकोमोडेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके साथ ही इस कॉलेज में कोऑप प्रोग्राम्स और कंडीशनल ऑफर लेटर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीजा फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। इसके साथ ही आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।